मानेसर के एक आईटीसी पांच तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गावा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापिस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते, 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है, 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी, 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार 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 राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है, पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का रमेश और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से
फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की यह सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।